जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और घाटी में बने नए हालात के बीच उस वक्त हलचल मच गई जब मीडिया में ऐसा वीडियो नजर आया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्थानीय लोगों के साथ खाना खाते दिख रहे थे। ये जगह थी शोपियां। यहाँ डोभाल स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और उनके साथ खाना भी खा रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने के बाद घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। शोपियां की सड़कों पर स्थानीय लोगों के साथ खाना खाने के अलावा उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों से मुलाकात भी की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। हमारा जो इतिहास है वो बताता है कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ आज़ादी से पहले भी लेकिन आज़ादी के बाद हर उसने जहाँ जहाँ भी जिस काम के लिए जिस व्यक्ति उठाया उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम किया। और इन्हीं की वजह से ये चीज़ें जो है जल्दी से हो जाती हैं। आज हमारा मन था कि सर आकर के खुद आप लोगों को मिले और आपके चेहरों को देखें कि कोई मायूसी तो नहीं है, आप लोग मजबूत हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है।